नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नहीं बढ़ा रेल किराया, नई ट्रेनों की घोषणा भी अभी नहीं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को केंद्र की एनडीए सरकार का पहला संपूर्ण बजट पेश किया। बजट देख रहे लोगों की उत्सुकता पर प्रभु ने यह कहकर पानी फेर दिया है कि अभी नई गाड़ियां चलाने की घोषणा नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसी सत्र में समीक्षा के बाद नई गाड़ियों का ऐलान किया जाएगा। रेलवे के इतिहास में यह पहला मौका है जब बजट में नई ट्रेनें चलाने की घोषणा नहीं की गई है। प्रभु ने कहा कि योजना खर्च के लिए सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि बाजार से भी पैसा लेंगे। उन्होंने पीपीपी मॉडल को और आगे बढ़ाने की जरूरत बताई, साथ ही स्टेशनों और गाड़ियों को कंपनियों का नाम दिया जा सकेगा। इसके लिए कंपनियों को पैसा चुकाना होगा। रेलवे के चार लक्ष्य गिनाते हुए प्रभु ने कहा कि यात्री सुविधाएं बढ़ाना, रेलवे की क्षमता बढ़ाना, रेलवे की सुरक्षा और रेलवे को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्री ने 108 गाड़ियों में ई कैटरिंग की व्यवस्था करने की घोषणा की है। इसके जरिए खाने के लिए बुकिंग की जा सकेगी। स्वच्छ पानी के लिए स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। 4 महीने पहले रेलवे टिकट का आरक्षण करवाया जा सकेगा। अभी यह समय सीमा 2 महीने की है। 200 नए आदर्श स्टेशन बनाए जाएंगे। लगभग 3500 मानव रहित रेलवे फाटक कम होंगे। साथ ही बिना गार्ड वाले रेलवे फाटकों पर अलार्म सिस्टम लगाने की घोषणा की गई है। 9 रूटों पर 160 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी। 17,000 बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। रेलवे में साफ सफाई के लिए नया विभाग बनाया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के लिए काम करेंगे। चुनिंदा ट्रेनों के महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मिलेगी। अगले 2 साल में सफर का समय 20% तक कम हो जाएगा। बजट में दूसरी यात्री सुविधाएं बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। बजट का सत्ता पक्ष ने किया समर्थन, विपक्ष ने विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बजट की सराहना की है। मोदी ने कहा कि पहली बार बजट में खर्च में अनुशासन की बात कही गई है। आम आदमी को इज्जत और सम्मान दिया गया है। दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह ड्रीम बजट है, इसे लागू करना नामुमकिन है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजद नेता लालू यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह रेल बजट अधूरा है, उम्मीद थी कि रेल भाड़ा कम होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।